नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज पर। हॉकी के जादूगर भारतीय लीजेंड मेजर ध्यानचंद का आज 115वां जन्मदिन है। इस मौके पर उनके बेटे अशोक कुमार ने कहा कि ध्यानचंद को हमेशा भारत रत्न देने की मांग उठती रही है। यह हमारी नहीं बल्कि आम जनता की मांग है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद के हॉकी से जादू दिखाने को कभी बुलाया नहीं जा सकेगा। ध्यानचंद ने भारत को लगातार 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलवाया। ध्यानचंद की बॉल पर पकड़ बेजोड़ थी, इसलिए उन्हें द विजार्ड ऑफ इंडियन हॉकी कहा जाता था। ध्यानचंद ने अपने इंटरनेशनल करियर में 400 से ज्यादा गोल किए। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1948 में खेला था। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी ध्यान के सम्मान में वीडियो शेयर किया। अशोक कुमार भी हॉकी लीजेंड रहे हैं। उन्होंने 1975 में पाकिस्तान के खिलाफ हॉकी वर्ल्ड कप में विजयी गोल किया था। यह मैच मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ था। अशोक ने भारत रत्न देने की मांग को लेकर कहा कि यह न सिर्फ हमारे परिवार के लिए बल्कि सभी खेल प्रेमियों के लिए भी गर्व की बात होगी। सच्चाई ये भी है कि ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग भारतीय लोगों ने की है, हमने नहीं। अब सिर्फ सरकार को ही इस पर फैसला करना है। मेरी जानकारी के मुताबिक यूपीए 2 के दौरान खेल मंत्रालय ने दादा को भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश की थी, लेकिन पता नहीं किस कारण से सचिन तेंदुलकर के नाम पर मुहर लग गई। ध्यानचंद जैसा दिग्गज भारतीय महाद्वीप में कोई नहीं। उन्होंने कहा कि मैं सचिन का सम्मान करता हूं और पसंद भी करता हूं। वे क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं, लेकिन खेल के दिग्गज ये भी मानते हैं कि ध्यानचंद जैसा दिग्गज अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में कोई नहीं हुआ है, क्योंकि वे अपराजेय रहे थे। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।